हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग ग्रिड मेथड। ये मेथड बहुत ही इजी है। अगर आप भी ड्राइंग करना चाहते हो और आप अगर बिगिनर्स हो तो ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। इस ग्रिड मेथड के लिए मैं जिस ऐप का यूज़ करता हूँ वो है ड्राइंग ग्रिड मेकर। ये आपको इजीली प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये ऐप को ओपन कर लेना है। आपको जो भी ड्रॉ करना है आप उसका रेफरेंस फ़ोटो डाउनलोड कर लो। मैं जिस ऐप का यूज़ करता हूँ रेफरेंस पोर्ट्रेट के लिए वो है पिंटरेस्ट ऐप। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स डाउनलोड हो जाती है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने एल्बम या गैलरी से जो भी फ़ोटो आपने डाउनलोड किया होगा पिंटरेस्ट ऐप से वहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, मैंने जैसे महेंद्र सिंह धोनी का डाउनलोड किया था तो मैं वहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया और ये ऐसा ओपन हो चुका है। अब आपको जो ये येलो कलर का लाइन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है और इसमें आपको वन कर देना है। तो जैसा कि आपने देखा, वन कर देने से ये वाली जो लाइन है ये एकदम पतली हो जाएगी ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकें। तो गाइस, जिस जिस शीट में मैं ड्राइंग करता हूँ वो A4 साइज़ की होती है। अगर आप A4 साइज़ में ड्रॉ नहीं करते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप A4 साइज़ में ड्रॉ करो ताकि आप इजीली मतलब रो और कॉलम आप इसमें एडजस्ट कर सकें। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें इस पोर्ट्रेट में कितनी रो होगी और कितनी कॉलम होगी। तो गाइस, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है और आपको सिंपली इसमें 14 कर देना है क्योंकि ये रो का ऑप्शन है, ताकि इससे आपकी रो 14 हो जाएगी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये कॉलम का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करके 10 कर देना है ताकि आपकी जो कॉलम है वो 10th हो जाए। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा अपेयर हो गया है। तो यहाँ पे ये 14 रो हो चुकी है और 10th कॉलम हो चुकी है। मैं इसमें एक बार कॉलम और रो को काउंट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 14 टोटल रो हो चुके हैं। मैं कॉलम काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसा कि आपने देखा मैं कैसे इजीली रो और कॉलम को मेज़र कर लिया A4 साइज़ के लिए। अगर आप A4 साइज़ में ड्रॉ करोगे तो ये काफ़ी आपको आसानी होगा ईज़िली रो और कॉलम को ड्रॉ करने को। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक एक बॉक्स होता है ये कितना सेंटीमीटर या मीटर का होता है। तो ये एक्चुअली 2 2 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं आपको इसे भी मेज़र करके दिखा दूंगा। ये जो मेरी एक एक बॉक्स है इस ऐप में, हर एक एक बॉक्स सब 2 सेंटीमीटर का है। तो आप लोग भी इसे अपनी ड्राइंग शीट पे मेज़र करके इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले आप ये जो है ये पूरे ड्रॉ कर लो। मैं तो ड्रॉ कर लिया हूँ 14 रो और 10 कॉलम। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी A4 साइज़ की शीट है, इसमें मैं 14 रो और 10 कॉलम ड्रॉ कर चुका हूँ आराम से एक अच्छा खासा लंबा रूलर का यूज़ करके। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे एक एक बॉक्स का सेंटीमीटर यूज़ किया था, 2 2 सेंटीमीटर का, ईच बॉक्स कैरिंग 2 सेंटीमीटर। तो जैसे कि गाइज आपने देखा, तो ये देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स हुआ। नेक्स्ट बॉक्स को आप देख सकते हो, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल वे में दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वे में आप देखो यहाँ पे 0 to 2, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का है। तो गाइज जैसा कि आपने देखा मैं कितनी इजीली इसमें रूलर की हेल्प से अपनी शीट में आराम से प्रॉपर वे में 2 2 सेंटीमीटर का ये करके आराम से मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो इसकी आईज़ है और इसकी दूसरी आईज़ है ये कहाँ कहाँ पे आएगी। तो आपको ये रो और कॉलम में देख लेना है सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5, तो 5 5 5 कॉलम में है इसकी पहली आईज़। तो मैं यहाँ पे काउंट कर लूँगा 1 2 3 4 5। और अब मैं इसका रो भी देख लूँगा, 1 2 3 4 5 6 6 6 वाले रो पे इसकी आईज़ है। तो यहाँ पे मैं आराम से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे इसकी आईज़ बनेगी। तो ये मैं छोटा सा मार्क कर दिया इधर भी, और उसकी एक आँख छोड़ के दूसरी आईज़ होगी। हमेशा 2 आईज़ के बीच में 1 आईज़ का गैप होता है, ये आपको पता ही होगा।
तो अब मैं आप इस फोटो को देख के इजीली ड्रॉ करूँगा कौन से बॉक्स में आईज़ है, कौन से बॉक्स में नोज़ है, लिप्स है। इजीली मैं देख के आराम से कामली ड्राइंग कर लूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि कैसे मैं ग्रीड मेथड का यूज़ करके इजीली ड्रॉ कर लिया हूँ। तो आप भी ऐसे ही अपने हर ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईजी वे है ड्रॉ करने का। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने कैसे फ़ोटो को ऑब्जर्व करके इजीली इसमें आउटलाइन ड्रॉ कर लिया हूँ। आप भी ऐसे इजीली आराम से ड्रॉ कर सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।